स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका एक रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आपके सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ठीक है, जिसका रेडियस हमें आर दिया हुआ है। एंड इस आर का वैल्यू 1.6 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर दिया हुआ है। एंड कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है 3.14 10 टू द पावर, ये यहाँ पे 14 हमें दिख रहा है, ठीक है 17 भी हो सकता है। क्या लेके चलेंगे, चलिए 17 ही ले लेते हैं। सर अगर ये कुछ और होता है तो आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि 14 और 17 दोनों ही दिख रहा है, ठीक है ठीक है। मीटर पर सेकंड, तो हमें करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा सर। अभी हम 17 के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है ठीक है। सो करंट होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज व्हाट, 2 पाई आर बाय v, 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया अपॉन वेलोसिटी। सो ये हमारे पास आ जाता है 1.6 10 टू द पावर -19 इनटू वेलोसिटी, जो कि आपको दे रखा है यहां पे 3.14 10 टू द पावर हम 17 लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है अपॉन 2 इनटू 3.14 इनटू रेडियस व्हिच इज 1.6 10 टू द पावर -2, सो इससे कैंसिल हो गया एंड यहां पे -2 है, ठीक है इससे कैंसिल हो गया एंड ये अपन हमारे पास यहां पर आ जाता है 1/1/2 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -2 +2, तो इससे कैंसिल हो गया, सो यहां पे हमारे पास 0.5 एंपियर करंट आ गया। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू।